समाजशास्त्र है ना, सोशल है, कुछ लिखना नहीं है आपको, मैंने बोल दिया वो आपको बोर्ड पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, ठीक है? सिर्फ समझिए, अगर फर्स्ट डे है आपका तो पहले सब्जेक्ट को समझना पड़ता है कि उसमें पढ़ना क्या होता है, राइट? और फिलॉसफी की कंपेयर में ये इजी है, ठीक? थोड़ा अप्लाइड है, एलिमेंट से आप अपने आसपास चीजों को देख सकते हैं, ठीक है? यहां पर आत्मा परमात्मा नहीं है फिलॉसफी की तरह, ठीक है? तो पढ़ना क्या होता है सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट, ठीक है? और आया कहां से ये, ठीक है? तो अगर आप लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, जो लोग, आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट में हम लोग शास्त्र लगाते हैं, जैसे राजनीति शास्त्र लगाते हैं क्या, अर्थशास्त्र लगाते हैं ना, और कभी कभी आप उस जगह पर विज्ञान भी लगाते हो, राजनीति विज्ञान बोलते हैं क्या अपन? देखो तो इंग्लिश में तो उसके लिए साइंस वर्ड ही यूज करना है ना, पॉलिटिकल साइंस है, पर हिंदी में आप पॉलिटिकल साइंस को दो पढ़ते हो, है ना? राजनीति शास्त्र भी लिखते हैं आप, और उसे क्या लिखते हैं आप, राजनीति विज्ञान। तो यहां पर समाज शास्त्र को अगर हिंदी में देखना चाहें, ठीक है, इसका मतलब है समाज का विज्ञान, राइट? तो पर ये कि इसको हम लोग शास्त्र ही लिखेंगे, समाज विज्ञान नहीं लिखते, ठीक? तो यहां पर हिंदी में शास्त्र है ना का मतलब किससे है, किसे आपका विज्ञान, और ये वो विज्ञान नहीं जो आप जानते हैं। आप लोग विज्ञान का मतलब क्या लगता है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी? नहीं, विज्ञान एक अप्रोच का नाम है, यानी जो पढ़ने का जो तरीका होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या, विज्ञान। और उसको शुद्ध हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं आपका, शास्त्र लिखते हैं। तो ये उसका हिंदी मीनिंग है, राइट? तो आप एक काम करिए, इसको दो भागों में बांट लीजिए, फिर हम देखेंगे अंग्रेजी में। तो इसको बांट लीजिए ऐसा दो भाग में, एक क्या लिखा हुआ है आपका समाज, और शास्त्र को मैंने क्या बताया, विज्ञान, ठीक? कि बीच में लगा दीजिए आप प्रीपोजिशन, है ना? तो ये है क्या एक्चुअल में, ये समाज का क्या है आपका, विज्ञान। अब सर विज्ञान क्या है, सब्जेक्ट का नाम है? नहीं, विज्ञान एक अप्रोच का नाम है, एक दृष्टिकोण का नाम है। आप लोग भी साइंस पढ़े होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री समथिंग है, पीएससी में तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। तो साइंस में, जिस साइंस को आप जानते हैं, उस साइंस में खास बात यह है कि जो भी चीज आपने पढ़ा है वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होगा, सही है क्या? न्यूटन के लॉस पढ़े होंगे आपने, जानते तो होंगे आप लोग, आर्किमिडीज की थ्योरी पढ़ी होगी आपने। तो वहां पर खास बात यह है कि विज्ञान को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है ना? तो उस जो अप्रोच है ना, उस अप्रोच को कहा जाता है क्या, विज्ञान। ये सब्जेक्ट का नाम नहीं है। जितने बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग इन सब्जेक्ट को सोशल साइंस कहते हैं, कहते हैं ना सिविक्स, सोशल क्या, साइंस, यानी उसमें आप पढ़ते हो हिस्ट्री, सही कह रहा हूं मैं आपका, पॉलिटी। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या कहते हैं उसको लोग, और हम हिंदी मीडियम कहते हैं सामाजिक क्या, विज्ञान। यानी यहां पर विज्ञान का मतलब वो मटेरियल साइंस नहीं है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, विज्ञान मतलब है अप्रोच ऑफ स्टडी, यानी पढ़ने का एक क्या तरीका, ठीक? क्या तरीका होता है देखिएगा, तो विज्ञान मतलब होता है भाई, सुनने में आया कि अंग्रेजी मीडियम वाले शिकायत करते हैं ये लोग, क्या लिखा है मैंने, है ना? या उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है ना? तो विज्ञान आप सब लोग पढ़े हैं बचपन में, 10th तक तो पढ़े होंगे सभी लोग। ओके चलो, अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं तो इन दो वर्ड्स को जानते हैं, है ना? सब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व, भाई ये ऑब्जर्वर है ना, और जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है वो वस्तु होती है। ऐसे पढ़े होंगे आप लोग, सही ना? या एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, चलो, राइट?
पर्सन है और वो किस चीज को देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है, सही है। मान लीजिए कि ये देने वाला गुलाब है, ठीक। अब ए इसको देखेगा, राइट, और ये जो गुलाब है इसका कलर क्या है, राइट। तो एक बंदे ने देखा तो उसने कहा कि रोज कैसा हो, राइट। अब सेकंड बंदा आ रहा है, वो भी इसको ऑब्जर्व करेगा और ऑब्वियसली कि वो भी क्या कहेगा इसको, है ना। ऐसे बहुत लोग आएंगे और फिर इस कॉन्क्लूजन पे हम जाएंगे कि वो जो गुलाब है एक्चुअल में वो किस कलर का है, राइट। तो जब इसका मतलब हर व्यक्ति जितने भी आए सबने उसमें से वही चीज ढूंढा कि वो जो गुलाब का फूल है वो रेड रोज है ना। तो जब आप किसी चीज को स्टडी किसके बिहाफ पे करते हो, ऑब्जेक्ट पे, राइट, तो उसे कहते हैं क्या, ऑब्जेक्टिविटी। और साइंस का यही खास बात है, राइट, ये पर्सन के हिसाब से वैरी नहीं करता। मतलब यह है कि जो व्यक्ति है उसके अनुसार उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, और दैट्स द साइंस, राइट, सही है क्या। जैसे आपको चाय दिया जाए, चाय, तो चाय बनाने वाले को पता है कितना उसमें चम्मच शुगर होगा, सही ना, कितना उसमें चाय पत्ती डाला होगा। पर अगर चार लोगों को वो चाय दी जाए तो चारों का अपना अपना वहां पर टेस्ट है। एक जो शक्कर ज्यादा पीता है वो क्या बोलेगा, पोचरू है, लाइट शुगर, सही ना। जो कम पीता है उसको बहुत ज्यादा, मतलब चाय वही है पर उन चारों का वहां पर दृष्टिकोण क्या होगा, अलग। तो ये अप्रोच हो जाएगा उल्टा, उसे कहते हैं सब्जेक्टिविटी। और यहां पर एग्जैक्टली आप उस चाय के बारे में जान नहीं पाए कि चाय बनी कैसी है, क्योंकि चार लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, सही है क्या। और विज्ञान में आपने ये चीज पढ़ाई, हर चीज को आपने पढ़ाई एज ए यूनिवर्सल, यानी सभी व्यक्तियों को वो एक जैसा ही दिखाई देता है, बात समझ आई। तो साइंस जिस चीज का नाम है उसका मस्ट पार्ट है वो है टू गेट ऑब्जेक्टिविटी, मतलब वो व्यक्तियों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। अगर वो रेड रोज रेड है तो वो हर व्यक्ति को वो लाल ही दिखाई देगा, तब जाकर आप इस रोज के बारे में निश्चित होकर ये बता पाएंगे कि हमारा निष्कर्ष ये है कि सर ये जो गुलाब का फूल है वो किस कलर का है, लाल, राइट। तो जब आपका अप्रोच स्टडी का ऐसा हो, ठीक, जो पर्सनैलिटी या पर्सन पर डिपेंड ना करे, क्लियर। अगर आप ये कर पाए तो फिर कहा जाएगा कि आपने जो स्टडी किया है वहां पर आपने गेट प्राप्त किया है किसको, उस दृष्टि में, बात समझ आई, ठीक। अब वापस आते हैं, बैक टू पॉइंट। तो समाज का विज्ञान मतलब आपको पढ़ना है इस सब्जेक्ट में किसके बारे में, सोसाइटी के बारे में, ठीक, ठीक है। पर ये स्टडी कैसा होना चाहिए, किसे कहते हैं वैज्ञानिक अध्ययन, जब आप क्या प्राप्त करते हैं, ठीक, तो सोशियोलॉजी दैट मींस स्टडी ऑफ क्या, सोसाइटी। ये अध्ययन है किसका, समाज का। कैसा अध्ययन, साइंटिफिक, वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। किसे कहते हैं वैज्ञानिक अध्ययन, जहां पर आप प्राप्त करते हैं क्या, वस्तु निष्ठता, या इंग्लिश में कहते हैं क्या, ऑब्जेक्टिविटी। तो यहां पर की पॉइंट में दो पॉइंट मिला मेरे को, ये मीनिंग है ना उसका, डेफिनेशन नहीं है। हमने दो भागों में बांटा, समाज अलग किया, शास्त्र अलग किया। समाज मतलब बताओ क्या होता है ये, यानी आपको यहां पर इस सब्जेक्ट में जो पढ़ना है वो की पॉइंट है सोसाइटी, किस प्रकार पढ़ना है, तो उसका अप्रोच हम बता रहे हैं कि वहां पर आपको पढ़ना है एज अ क्या, साइंटिफिक अप्रोच। और साइंटिफिक अप्रोच का सबसे मस्ट कंटेंट है क्या होना चाहिए उसमें, ऑब्जेक्टिविटी। मीन्स ये कि सभी व्यक्तियों को वो एक जैसा ही दिखाई देना चाहिए, अलग अलग ऑब्जर्वेशन होंगे तो किसी एक निष्कर्ष पे आप पहुंच नहीं पाएंगे। हम कोई भी विषय पढ़ते हैं तो आते हैं ना निष्कर्ष पे, राइट, तो उस निष्कर्ष पे तभी पहुंचा जाएगा कॉन्क्लूजन पे जब हम वहां पर क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिविटी। मींस यानी जैसा वो है उसे वैसा ही बताया जाए, क्लियर। तो अब देखिए समाजशास्त्र की एक सिंपल सी डेफिनेशन,
या उसकी मीनिंग निकल के आती है कि समाज शास्त्र मूलतः, एक बार हिंदी पे अंग्रेजी चल देगा, तो समाज शास्त्र मूलतः अध्ययन है किसका, समाज का। कैसा अध्ययन, इसी को बोल लीजिए सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ क्या, सोसाइटी। अब स्टडी लिख दिया आपने, ऑफ लगा दिया, कैसा स्टडी, विच अप्रोच, देन ही सेड साइंटिफिक अप्रोच। सही, किसे कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच, सिलेबस है आपके पास, आप सिलेबस निकालिए एक बार, हाँ जिनके पास है निकाल लिया, पेपर सिक्स पार्ट टू लास्ट यूनिट जाइए, मतलब लास्ट क्लास में जाइए तो आपको वहां एक वर्ड मिलेगा साइंटिफिक मेथड एंड द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो सामाजिक अनुसंधान या पद्धति है एवं वस्तु निष्ठता की समस्या, कोई ऐसा टॉपिक दिख रहा है आपको हुँ? और ये एकदम लास्ट में होगा, शुरू में नहीं है ये, देखा, यानी आगे जाकर आप मुझसे पढ़ेंगे कि किसे कहते हैं क्या वस्तुनिष्ठता, राइट। तो आगे जाकर डिटेलिंग करेंगे हम इसका। अभी आप ये मान लीजिए कि जैसा वस्तु है उसको वैसा ही बताया जाए, उसे कहते हैं क्या वस्तुनिष्ठता, राइट। डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट नॉट डिपेंड ऑन क्या, सब्जेक्ट, क्लियर। बाकी आपको आगे जाकर 8 मार्क्स पर 10 मार्क्स पर मैं बताऊंगा क्या ऑब्जेक्टिविटी एंड द साइंटिफिक अप्रोच इन सोशियोलॉजी। ये चैप्टर है आपका, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो मुझे सामाजिक अनुसंधान प्रविधियां के नाम से है, वहां पर वैज्ञानिक पद्धति है और वस्तुनिष्ठता की आप देखेंगे समस्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको ये। अभी टेंशन नहीं लेना, मैं बता रहा हूं कहां तक जाना है आपको, ये क्लियर हुआ। तो ओवरऑल इसकी बेसिक मीनिंग यही हुई, सही है। ये हमने हिंदी से निकाल दिया इंग्लिश में, तो यहां पर का लगाया है तो इसको थोड़ा सा पेशी वाइज से पढ़ेंगे, उल्टा पढ़े। स्टडी ऑफ क्या, सोसाइटी। कैसा स्टडी, डन। हाँ, साइंटिफिक स्टडी क्या है, आगे जाकर इसकी डिटेलिंग करेंगे। अभी आप ये मान लीजिए कि जैसा है उसको वैसे ही बताना है, क्लियर। और इससे फायदा यह है कि इससे एक कॉन्क्लूजन अर्थात एक निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे, क्लियर, सही। तो अब यहां पर दो पॉइंट आए, विज्ञान तो बता दिया मैंने, साइंस। अब यहां पर एक पॉइंट आया, वो है बच्चों क्या आपका, समाज। अब इसका इंग्लिश मीनिंग आते हैं सोशियोलॉजी, ये ग्रीक और लैटिन दो वर्ड से बना है। हाँ, सोशियस एंड क्या, लोगस, एक ग्रीक है एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब वही होता है जो मैं लिखा था, क्या, सोसाइटी, और इसका मतलब वही है जो मैं आपको बताया था, क्या, स्टडी। पर ये इंग्लिश वर्ड नहीं, ये ग्रीक एंड लैटिन वर्ड है और इन दोनों को मिलाकर बनाया, तो ये हो गया स्टडी ऑफ क्या, सोसाइटी, जो मैं आपको बता रहा था, राइट। और ये वर्ड दिया था एक सोशियोलॉजिस्ट है, हाँ, आप लोग जानते हैं इनको, अगस्त क्या कॉम्पटन, द फादर ऑफ क्या कहलाते हैं ये, सोशियोलॉजी, क्योंकि इन्होंने ये वर्ड दिया था क्या, सोशियोलॉजी को, राइट, इन द 1930s, ठीक है। इसलिए इनको हम मानते हैं क्या, समाजशास्त्र का जनक कहते हैं, राइट, क्योंकि उन्होंने ये वर्ड दिया, तो सोशियोलॉजी बना है सोशियस, और इससे आपका लोगस, सोशियस का मीनिंग होता है सोसाइटी और लोगस का मीनिंग होता है क्या, स्टडी। तो दोनों में घुमा फिराकर की पॉइंट में आपको यहां पर दिख रहा है एक सिंगल वर्ड, और वो सिंगल वर्ड है क्या, सोसाइटी, राइट। और हिंदी में भी लिखा है समाज क्या शास्त्र, घुमा फिरा कर आपको इस विषय में पढ़ना है किसके बारे में, समाज के बारे में, क्लियर। ये हो गया बेसिक मीनिंग किसका, सोशियोलॉजी का। आपको बता दें कि आपको कोई भी थिंकर या सोशियोलॉजिस्ट नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में वो चीजें हटा दी गई। 2018 से पहले जो पैटर्न था तब हुआ करता था, तो आपको कोई भी टॉपिक इनके नाम से नहीं पढ़ना है, राइट, क्लियर। किसी भी विचारक का नाम आपको पढ़ना नहीं होगा, सही है। कॉमन जो थ्योरी है आप देख लें सिलेबस में, कहीं पर भी सिलेबस में किसी भी विचारक या थिंकर का नाम नहीं है, सही है, सिर्फ टॉपिक है, सब टॉपिक है। फिर एक दो जगह पे आएगा तो मैं बताऊंगा, क्लियर, सही है।
तो ये हो गया बेसिक मीनिंग ऑफ क्या सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ क्या सोसाइटी। स्टडी का पैटर्न कैसा होगा आपका साइंटिफिक। तो अब बोलेंगे साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्या सोसाइटी, समाज का वैज्ञानिक क्या अध्ययन। राइट, समझ आया। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन जो एक हमने देख भी लिया। तो इसको अपन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब तीन प्रकार की परिभाषा देख रहे हैं डेफिनेशन। एक जो अभी हम डील किए समाज का क्या अध्ययन, स्टडी ऑफ क्या सोसाइटी। सही है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा डेफिनेशन है ये आप देखेंगे, इसका एक डेफिनेशन और है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सोशल क्या रिलेशन। अभी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा कि सामाजिक संबंध या सोशल रिलेशन होता क्या है। और इसकी एक डेफिनेशन है जो बहुत पॉपुलर है, एक और वर्ड मिला आपको, क्या लिखा है मैंने, सामाजिक अंतःक्रिया सोशल क्या इंटरेक्शन। तो यहां पर डेफिनेशन में तीन पॉइंट निकल के आ रहे हैं। यहां पर समाज लिखा हुआ है सोसाइटी, यहां पर लिखा है सोशल रिलेशन सामाजिक क्या संबंध, और यहां पर लिखा है सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक क्या अंतःक्रिया। देखिए मेंस है तो जो हिंदी वाले हैं वो अपने हिंदी पे ध्यान देंगे, सही है, और इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश में फोकस करेंगे, ठीक। दोनों को कचा पचर नहीं करना, सही है। मैं जब आपको फिलॉसफी पढ़ा रहा था तो मैंने इंग्लिश वर्ड लिखे ही नहीं, तो मैंने शायद आपको बताया भी था कि वो इंडियन फिलॉसफी है, सही है। पर ये सब्जेक्ट तो आ ही रहा है बाहर से, तो इसका इंग्लिश प्रॉपर वे में है, सही है। पर जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है इन शब्दों पर, सही है। तो एग्जाम में ऐसा ना हो कि आप अंतःक्रिया की जगह पर आप ही लिख दिए क्या सोशल इंटरेक्शन, ये डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है। तो मेरे तीन शब्द मिल रहे हैं, समाज यहां पर, सामाजिक संबंध, और वहां पर एक वर्ड है सामाजिक क्या अंतःक्रिया। पहले ये आपको तीन समझाता हूं, फिर आप खुद जान जाएंगे कि एक्चुअल में इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या होता है। फिर एक बार परीक्षा में आया भी है, समाज शास्त्र की परिभाषा बताए दो नंबर पे, सही है। एक ही बार आया अब तक, पर हाँ अगर आप सिलेबस देखें तो आपके सिलेबस में सामाजिक अंतःक्रिया एक सेपरेट टॉपिक है, सोशल क्या इंटरेक्शन इन द टॉपिक ऑफ सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया में एक टॉपिक है सामाजिक क्या अंतःक्रिया, 4 मार्क्स पे। तो आप समझे कि मीनिंग क्या, और लिखना नहीं जब तक मैं बोलू नहीं, सही है। मुझे लगेगा कि कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, आज का क्लास चलने दीजिए, कल से लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बोर होंगे, बट मैंने पहले कहा ना ये क्लास इंटरटेन करने के लिए नहीं बनाई गई है, राइट। नहीं तो आप मेरे से भली भांति परिचित नहीं है, मैं और भी तरीके हैं पढ़ाने के मेरे पास, बट फिलहाल टाइम कम है, सही है। तो कंटेंट पे ही आऊंगा, बोर लगेगा तो सुई लेके आए, चुभोते रहे अपने आप को, राइट।
मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बेसिकली मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर आप सर्च करेंगे तो मैं इतिहास का टीचर हूँ, ठीक है। बेसिकली अगर आप प्री प्लस मेंस में आते तो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता। अब चूंकि ये जो बैच होता है इस समय का, ये ओनली फोकस मेंस होता है, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट ओपन होते हैं मेरे, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी। पेपर 7 में डील कर लेता हूँ, बट अभी टाइम नहीं है, ठीक है। पर ये उन स्टूडेंट के लिए है जो ऑलरेडी मुझे जानते रहते हैं पहले से, तो मुझे जानते हैं अच्छे से। अब आप और हम दोनों नए हैं, ठीक है। तो आपका ग्रैप्सिंग पावर कैसा है? छत्तीसगढ़ी आता होगा आप लोग को? मुझे नहीं आता ज्यादा, पर एक दो वर्ड सीखा है। एक वर्ड होता है बच्चों भोकवा, जानते है ना। तो अगर उस प्रवृत्ति की आप रहेंगे तो मैं मर जाऊंगा, है ना। नहीं समझ आए तो भी चेहरे का कॉन्फिडेंस ऐसा रखें कि हाँ, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ है, कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। मरे मरे टाइप को मत रहना भाई, है ना। लिख दिया एकदम सामाजिक अंतःक्रिया तो खुद की क्रिया बंद हो गई। रिलैक्स, मैं बता रहा हूं उसको आपको, ठीक है। तो इसको अब आते हैं, समाज तो बताता हूं क्या होता है, ठीक। पहले तो यहां एक वर्ड मिला है मेरे को, क्या सामाजिक, क्या संबंध, सोशल, क्या रिलेशन, ठीक। इसको मैं एग्जांपल देता हूं आपकी अपनी लाइफ का, समझिएगा, फिर उस पेज पे वापस आएंगे, ठीक। आप अपना एग्जांपल ले लें, जो भी नाम होगा आपका। मेरा फेवरेट नाम राहुल है, जब तक ये तब तक मोदी जी हैं, इसलिए फेवरेट है। तो ये राहुल है, ठीक। कभी कभी नकारात्मक होना भी बहुत आवश्यक है, अगर ये नहीं होते तो मोदी जी नहीं होते, इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया राहुल, बाकी सरनेम आप अपने हिसाब से भर लेना, ठीक। जब ये पैदा होगा तो सबसे पहला इसका एक रिलेशन, एक संबंध जो बाय बर्थ मिलेगा उसका, अपने पेरेंट्स से होता है, और ये सेलेक्टिव नहीं है, मींस ये आपका ऑप्शन नहीं है। आप किसी भी फैमिली में अगर आपका जन्म होगा तो एक संबंध, एक रिलेशन जो बाय बर्थ मिलेगा, वो मिलेगा आपको आपके पेरेंट्स से, माता और क्या पिता से, सही है। इसके अलावा और भी आपके अदर वो होते रिलेटिव्स, तो चाचा चारे क्या लिखता है उसको, रिश्तेदार ना, हाँ, मतलब आपके जो अन्य क्या है आपके संबंधी, इनके साथ भी आपके संबंध होंगे, हाँ कि ना। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि वो संबंध स्थायी है कि अस्थायी, टेम्परेरी और परमानेंट वाली बात नहीं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ क्या संबंध होगी। तो कुछ संबंध ऐसे हैं जो आपको मिलते हैं, राइट। चलिए अब आप थोड़े बड़े हुए, ठीक है, तो खेलने कूदने जाएंगे तो आपके गली मोहल्ले में आपके बहुत सारे दोस्त बनते हैं, हाँ? ये स्कूल फ्रेंड नहीं, ये जो प्ले ग्रुप्स होते हैं आपके, वो खेलने कूदने वाले समूह, तो उन बच्चों के साथ आप रहेंगे तो उनके साथ भी एक डेवलप होता है क्या, एक रिलेशन, सही है क्या। थोड़ा बड़ा होगा वो स्कूल जाएगा, जाएगा ना, तो फिर वहां पर जाएगा, लोगों से मिलेगा, तो उसके बहुत सारे स्कूल फ्रेंड बनेंगे, हाँ कि ना, है ना। फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो वो जन्नत पहुंच जाएगा, कॉलेज, मैं लड़कों की बात किया, ठीक है, वो कॉलेज गया, सही है। तो वहां पर भी उसके कुछ फॉर्मल, कुछ इनफॉर्मल, अर्थात कुछ औपचारिक, कुछ अनौपचारिक संबंध बनेंगे, कुछ अच्छे मित्र बन जाते हैं, कॉलेज फ्रेंड फॉरएवर होते हैं, सही है। पर हाँ, ये यहां पर जो अब संबंध बनेंगे ना, स्कूल एंड कॉलेजेस, ये यहां पर जो पहल करना ये उसकी होगी, यानी वो चाहेगा जिसे दोस्ती करना उससे करेगा, सही है। पर ये उसकी लाइफ है, एक सोशल लाइफ, जहां पर उसका बर्थ हुआ तो कुछ संबंध बने उसके, राइट। जैसे जैसे वो बड़ा होते जा रहा, ये उसका गली मोहल्ले के दोस्त है, राइट। स्कूल जाएगा, कुछ स्कूल फ्रेंड बनेंगे, सही है। फिर वो कहां आ गया हायर स्टडीज के लिए, कॉलेज, वहां उसके कुछ दोस्त बनेंगे, हाँ कि ना। अब फाइनली अब वो जॉब पिक कर लिया, सही है, तो कोई ना कोई ऑफिस जाएगा,
और जहां वो ऑफिस जाएगा जॉब, वहां भी कुछ कलीग बनेंगे उसके, और जो बगल में बैठेगा उससे कुछ तो दोस्ती, अभी मेरे को आए 10 दिन नहीं हुआ है कोचिंग में, यहां दोस्ती हुई मेरी, जो बगल में बैठेगा हाय हेलो तो करेंगे ना अपन, सही है, तो कुछ संबंध यहां पर डेवलप होंगे, राइट। अब आप लोग के जीवन का परम उपदेश यह भी तो आवश्यक है, हाँ क्या अगर पढ़ किसके लिए रहे मैं फिर बात कर रहा हूं लड़कों की, ठीक है, विवाह फिर एक संबंध है ना, और उस विवाह की तरफ से जो आपका ससुराल पक्ष है फिर वो पूरा लंबा चौड़ा संबंध, अरे ससुर सास है ना, साली इस टाइप का। धीरे धीरे एक एज के बाद थोड़े से रिलीजियस आप होने लग जाएंगे तो कोई ना कोई पर्टिकुलर जाएंगे मंदिर मस्जिद, वहां आप जा रहे हैं भगवान के लिए, पर जो आपके साथ और भी आते हैं ना, तो जब डेली आएंगे जाएंगे तो हाय हेलो से धीरे धीरे एक क्या डेवलप हो जाता है, एक संबंध बनता है, ये ठीक, ये एक कॉमन मैन एक सामान्य मनुष्य की मैं आपको लाइफ बता रहा हूं, सही है। आजकल जो मेट्रोपॉलिटन कल्चर है, यहां पर एक नया कल्चर आया है क्या, आपका क्लब, जो हाई सोसाइटी वहां पर क्लब कल्चर है, हाँ कि ना, आप मेंबर बनते हैं, मेंबर बनने के समय आपको नहीं पता कि क्लब में और कौन कौन है, पर आप डेली जा रहे हैं, बिलियर्ड्स खेल रहे हैं, जा रहे हैं आप, तो धीरे धीरे जो आपके अगल बगल में उनके साथ भी आपके क्या बन जाते हैं, संबंध, ऐसे कई अनगिनत संबंध एक व्यक्ति बनाता है, राइट। मैंने कुछ नाम दिए जो आपकी लाइफ के जुड़ते हैं, सही है, क्लियर। मैं फिर कह रहा हूं यहां पर मैं संबंध की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर परमानेंट की बात नहीं कर रहा, कि जो संबंध हमेशा रहेंगे इसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, हम इसकी बात भी नहीं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, संबंधों की, राइट। तो बर्थ टू डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक व्यक्ति अपने सराउंडिंग्स में कई सारे क्या बनाता है, संबंध, राइट। और चूंकि वो सोसाइटी में रह रहा है, लोगों से बना रहा है, इसलिए ये संबंध क्या कहलाते हैं, सामाजिक संबंध। देखिए दो होते हैं संबंध, एक होता है भौतिक वस्तु मटेरियल रिलेशन, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, करते हैं, कभी कुछ गुम उम जाए तो बड़ा दुख होता है, तो आपका उसके साथ भी क्या डेवलप हो चुका है, रिलेशन, पर वो रिलेशन सोशल रिलेशन नहीं है, ठीक। वहां पर व्यक्तियों से होना चाहिए, ग्रुप से होना, आपका संबंध स्कूल से नहीं है, स्कूल में पढ़ने वाले आपके जो क्लासमेट है उनके साथ है, राइट, वो केमिस्ट्री वाली मैडम के साथ है, समझ रहे ना। सही है, तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ एक सराउंडिंग्स बहुत सारे क्या बन रहे हैं, आपके संबंध, राइट। जब ये पूरे संबंध इसको अगर आप अध्ययन करें, तो आप देख रहे हैं कि इसको अगर मैं सेंटर पे लूं तो एक नेटवर्क, एक पूरी तरह पे क्या बन गया है, एक जाल, द नेटवर्क ऑफ सोशल क्या रिलेशन, सामाजिक संबंधों का आपको एक क्या दिखाई दे रहा है, जाल, और सामाजिक संबंध के इस जाल को ही समाज शास्त्र में क्या कहा जाता है, समाज। तो समझ रहे हैं आपको क्या क्या सिखा रहा है ये, इसका मतलब अगर हम पहले वाले पेज पे पहुंचे तो एक्चुअल में आपने यहां पर लिखा स्टडी ऑफ सोसाइटी है ना, तो आपके मन में आया कि सोसाइटी क्या है, तो उसको यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं, द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंधों से जो जाल बनता है ना, उस जाल को हम कहते हैं क्या, समाज। तो एक्चुअल में इस डेफिनेशन को और क्लियर करने का प्रयास है, सेकेंड, बात समझ आई,
तो समाज क्या है? यही जो सामाजिक संबंध है, इसको ही हम कहते हैं क्या? समाज। मैंने जो भी उस डायग्राम में बनाया, सोसाइटी तो है आपकी, वो सही ना, कुछ पेरेंटल रिलेशन है आपके, कुछ जन्मजात संबंध बने आपके, कुछ आपने इनिशिएट किया अपनी लाइफ में, सही है, कुछ आपके बनते गए, कुछ है ना, कुछ फॉर्मल है, कुछ क्या है आपके इनफॉर्मल, कुछ औपचारिक है तो कुछ क्या है आपके अनौपचारिक, कोई परमानेंट संबंध है तो कोई कैसे है आपका टेम्परेरी, सही है। और ये जो जाल बनाना, ये नेटवर्क, इस जाल को हम कहते हैं क्या? आपका समाज। इसका मतलब ये स्टूडेंट कि ये दोनों डेफिनेशन बराबर है। अरे सही ना भाई, समाज का अध्ययन किसे कहते हैं? समाज, यही जो सामाजिक संबंध का जाल है उसे कहा जाता है क्या? समाज। तो ये दोनों मीनिंग सेम हुई, हाँ कि ना? अब प्रश्न ये उठता है सर कि सर आपने कहा कि अनगिनत संबंध है, सही है। अब मैं कार से जा रहा हूं, डेली घड़ी चौक में मेरे को एक भिखारी मिलता है, टाइमिंग साले की मैच करती है कि जब रेड सिग्नल होगा तभी टक टक करता है, तो दिख तो वो भी मेरे को रहा है, और पर डे देखने से वो भी नमस्ते करता है, मैं भी मुंडी जा देता हूं, तो क्या संबंध बन गया? है तो ये भी एक क्या रिलेशन, सही है। तो ऐसे में तो सर हम लोग कचरा पचर हो जाएगा। देखिए कोई भी सब्जेक्ट लेनी होना नहीं चाहेगा, राइट, सही है। आप सारे संबंध को पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को रखा है, हजारों व्यक्ति है, सही है। तो अब ये जो सामाजिक संबंध है ये कैसे बनते हैं, किसको एग्जैक्टली हम कहते हैं क्या सामाजिक संबंध, इसको समझाने के लिए अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या लिखा है यहां पर, इसे समझ गए तो फिर रिवर्स गियर में मैं आपको ले जाऊंगा समाज शास्त्र की क्या परिभाषा पे। देखो ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, बुक कैसा लिखता है, यहां पर कुछ विचारकों के नाम लिखेगा, इनके अनुसार मैं वो काम नहीं करूंगा आपके लिए, ठीक, आपकी जो लाइफ है उससे निकाल के लाता हूं एग्जांपल, यहां तक क्लियर है। तो सामाजिक संबंध फिलहाल कोरा कोरा एक आइडिया ये हो रहा है कि जो भी रिलेशंस हैं लोगों के साथ या समूह के साथ उसको हमने अभी कह दिया है क्या सामाजिक संबंध, राइट। और अनकाउंटेबल है, अनगिनत है, तो अब सामाजिक संबंध का जो बेस है उस पर आते हैं। और थर्ड टॉपिक है सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ द सोशल इंटरेक्शन, समाज शास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन है। तो पहले तो हम ये जाने कि ये अंतःक्रिया है क्या, राइट। अब बोर तो नहीं हो रहे, और हो भी रहेंगे तो मैं कुछ कर सकता नहीं है आपको, ठीक है, पर प्रयास करिएगा ना, मैं आपको कोई बहुत जटिल चीज नहीं बता रहा आज के दिन, ठीक। अब देखिए सोशल इंटरेक्शन को समझिएगा, हाँ एक सेपरेट टॉपिक भी है आपका और यहां भी पढ़ना है आपको इसको, ये है क्या, ठीक है। फिलहाल ये अंतःक्रिया के होने के लिए दैट यू मस्ट हैव टू साइड्स, कितने पक्ष होने चाहिए? दो। ये दो पक्ष दो व्यक्ति हो सकते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है, ये एक व्यक्ति का किसके साथ, जैसे मैं और आप, मैं एक व्यक्ति हूं और आप, या समूह का क्या समूह के साथ। तो इंट्रैक्शन के लिए पहला जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि कम से कम दो पक्ष होने चाहिए, राइट। वो दो दो व्यक्ति हो सकते हैं, आप आपके बगल में बैठा हो व्यक्ति, राइट, ये हो सकता है कि आप और आप कर रहे हैं इंट्रैक्शन किसके साथ, पूरे समूह, मेरा और आपका संबंध कुछ ऐसे ही रहेगा ही, या दो ग्रुप भी आपस में कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन है सोशल इंट्रैक्शन के लिए कि कम से कम हमारे पास होने चाहिए कितने पक्ष, दो, राइट। दूसरा, फिर इनके बीच में होना चाहिए कॉन्टेक्ट, अर्थात क्या संपर्क, ठीक है। फिर ये कॉन्टेक्ट दो हो सकते हैं,
कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। आप कहेंगे सर कॉन्टेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे? तो जो फिजिकल कॉन्टेक्ट है, जैसे आप क्लास में बैठे है ना और मैं आपके सामने हूं, तो आपको और मेरा जो संपर्क है वो कैसा हो रहा है? डायरेक्ट। पर कुछ स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं ना, सुन तो वो भी मेरी बात रहे होंगे, तो उनका और मेरे बीच का जो कॉन्टेक्ट है, संपर्क है, वो कैसा है आपका? इनडायरेक्ट। तो दोनों चलता है, जरूरी नहीं कि आप सामने ही हो। तो इंट्रैक्शन या अंतःक्रिया के लिए कॉन्टेक्ट अर्थात संपर्क होना चाहिए। वो संपर्क प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। प्रत्यक्ष का मतलब यह है कि सशरीर उपस्थित है आप, और अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि अन्य साधन के साथ है। जैसे आप किसी से टेलीफोन में बात कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, तो संपर्क में है, पर वो कॉन्टेक्ट कैसा कहलाएगा आपका? इनडायरेक्ट। तो सोशल इंट्रैक्शन क्या है उसके पहले मैं आपको उसकी कंडीशन बता रहा हूं कि सोशल इंट्रैक्शन सामाजिक अंतर्क्रिया के लिए पहला चीज क्या चाहिए? दो पक्ष। वो दो व्यक्ति हो सकते हैं, एक व्यक्ति और समूह, या दो समूह हो सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि उनके बीच में क्या होना चाहिए? अ प्रॉपर मतलब क्या कॉन्टेक्ट। इस कॉन्टेक्ट में आएगा फिर कम्युनिकेशन, राइट। तीसरा एलिमेंट है इसका कि उनके बीच में संचार, ना, राइट, द मीडियम ऑफ क्या? कम्युनिकेशन। तो तीन एलिमेंट हैं इसके, पहला दो होने चाहिए, दूसरा कॉन्टेक्ट, तीसरा अ मीडियम ऑफ क्या? कम्युनिकेशन, संचार के क्या साधन। सही है, अब तीन ले आए। अब सर ये होता कैसा, इसको देखिए। ये दिख रहा है ना आपको? अब ध्यान दीजिए कि अब होगा कैसे। तो कंडीशन नंबर वन ले आते हैं। अपन एग्जांपल में दो व्यक्ति लेते हैं, ए और क्या? बी। ठीक, टू इंडिविजुअल है, दो व्यक्ति हैं, ए और क्या? बी। तो कंडीशन नंबर वन, इनके बीच में पहले क्या होना चाहिए? संपर्क, कॉन्टेक्ट। चलिए हो गया, डायरेक्ट लिख देता हूं समझाने के लिए। ठीक, यानी आप किसी व्यक्ति से मिले, राइट, मिले, तो फिर अभी जो ए है यानी पहला व्यक्ति, वो बी को देखा कॉन्टेक्ट में, और ए ने बी को देखा और कुछ कहा, कहा इन द सेंस से हेलो, तो ये हो गया ए की तरफ से बी को किया गया क्या? एक्शन, राइट। इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया, राइट। जैसे गुड मॉर्निंग का, जैसे आप मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, आप जरूरी नहीं कि आपके साथ जो लोग दौड़ रहे हैं उनको आप जानते भी होंगे, सही है, पर एक दो दिन आप लगातार जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि दो चार ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके साथ डेली अगल बगल में है, तो फिर कहीं ना कहीं आप इनिशिएट करते हैं, सही है, और आप कहते हो क्या? गुड मॉर्निंग, सही है। आप जानते नहीं हो उसको अभी, तो ए ने बी के लिए क्या किया? एक्शन, गुड मॉर्निंग कहा। अब ये जो गुड मॉर्निंग है, ये एक्शन है, वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए जो बी को कर दे एक्साइटेड, यानी बी को प्रॉपरली सुनाई देना चाहिए, सही है। इसलिए शायद लैंग्वेज इन सब का बड़ा मैटर होता है। तो ए का क्रिया या एक्शन पहले इस बी के लिए बनना चाहिए राइट यानी ए का वो जो डायलॉग है ना, वो बी को सुनाई देना चाहिए, और वो अंदर से होना चाहिए क्या? एक्साइटेड फॉर रिप्लाई, सही है। अब वो जब बी हो जाएगा उत्तेजित, तब वो फिर ए की तरफ उस क्रिया की क्या करेगा यार? वो प्रतिक्रिया, सही है। पर वो रिएक्ट तब करेगा बी जब उसने ए की उस प्रॉपर वर्ड को सुना होगा,
सही है, और इस प्रकार सुना है कि उसे लगता है कि उसे इसका करना चाहिए क्या रिप्लाई। तो उसने जैसे रिप्लाई दिया बी ने ए की तरफ, तो अब वो रिप्लाई, अब वो जवाब उस क्रिया का क्या बन गया, प्रतिक्रिया। तो उस एक्शन का क्या बन गया, ये रिएक्शन। प्रिय तब होगा जब वो उसकी उस एक्शन से स्टिमुलेट होगा, अंदर से क्या होगा, एक्साइटेड होगा, देन से राइट। ये रहा ए का बी की ओर क्या एक्शन, सही है, और बी का ए की तरफ हुआ क्या रिएक्शन, दैट्स नोन एज इंटरेक्शन। समझ आए, सिंपल सिंपल बात, जानबूझकर अंग्रेजी बोला ताकि आपको भी याद हो जाए। तो क्रिया और प्रतिक्रिया से बनता है अंतः क्रिया, राइट, समझ आया। और इसमें खास बात यह है कि इसमें आपने पहल की है, सही है, और वो डिपेंड करेगा ए पर कि वो कैसा, हाँ यही अंतः क्रिया जो हो रही है ना, अब ये जो साइकिल बन गया, अब यही साइकिल कहलाएगा सामाजिक क्या अंतः क्रिया। समझ आया, एकदम सिंपल है, सोशल क्या इंटरेक्शन। राइट, क्लियर है। अब ये सोशल इंटरेक्शन अगर कंटिन्यू होता रहेगा, यानी आप फिर मिले, नेक्स्ट डे भी से हेलो, तो फिर यहां पर चीजें एक्सचेंज होंगी, सही है क्या, और दोस्ती हो जाएगी, फ्रेंड्स थी, कोऑपरेशन, सहयोग। तो ये लीजिए, दो व्यक्तियों के बीच डेवलप हो गया एक क्या रिलेशन, और इसी रिलेशन को ही कहते हैं सोशल क्या रिलेशन। तो अंतः क्रिया से ही बनता है क्या सामाजिक क्या संबंध, क्लियर। तो हर संबंध को हम सामाजिक संबंध नहीं कहते, क्लियर, सही है। सामाजिक संबंध के बनने के लिए पहले क्या होना चाहिए उनके बीच में, तो इंट्रैक्शन के थ्रू बनता है सोशल क्या रिलेशन। समझ आई बात, सही, ये समझ आया आपको। इसको आप मेरे और अपने पे अप्लाई करिए। अपन पहला कंडीशन क्या, हम दोनों दो साइड हैं, और ये सेकंड वाला फिट बैठता है, पर्सन इंडिविजुअल टू ग्रुप, आप एक क्लास ग्रुप हैं, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता, राइट, पूरा क्लास है ना ये। अब मैं आपको पढ़ाने आया, तो ये जो मैं बोल रहा हूं ये मेरी तरफ से क्या है आपका एक्शन, तो मुझे प्रॉपर वे में बोलना पड़ेगा, सही है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, सही है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए, यानी मेरा और आपका मेंटल स्टेटस सेम होना चाहिए ना, वो सेम है तभी तो आया हुआ एडमिशन लिए हो। अब मैं जो कह रहा हूं उस पर आपका रिएक्शन तब आएगा जब मेरी बात आपको अंदर से क्या करेगी, एक्साइटेड, सही है क्या, और आपको समझ आ रहा है, ये फीडबैक, ये रिएक्शन आपका हेड मूवमेंट है, देखिए वो देखिए, ये हिलाया से, ये आप हिला रहे हो, ये नेचुरल है, कोई धागा वागा खींच नहीं रहा हूं मैं, ये जो आपका हेड मूवमेंट है ना, ये नेचुरल है। जब समझते हो ना तो अंदर से फीलिंग आती है कि कोई बच्चे सारे बड़े दुष्ट होते हैं, मतलब समझा, कुछ लोग ना पता नहीं, शायद पुरानी बढ़ाऊंगा आपको मैं योग दर्शन में, पुरानी स्मृतियां जो होती है ना, बैड मेमोरीज, तो वो घर कही रहती है, ब्रेकअप हुआ रहता है तो उसको लेके बैठा रहता है, यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पर टॉपिक खोया हुआ है कहीं और, तो वो प्रॉपर इंट्रैक्शन नहीं है। मैं अपनी तरफ से तो काम कर रहा हूं मैं, पर उसकी तरफ वो बात पहुंच नहीं पा रही है, राइट, पहुंचती तो उसका हेड मूवमेंट होता, आई कॉन्टेक्ट भी बता देता है कि मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं। तो मेरी बात आप तक पहुंची, आपका हेड मूवमेंट हुआ, तो फिर आपकी और मेरे बीच, मैं डेली क्लास आऊंगा, चार पांच महीने साथ मिलेंगे, तो आप पर मेरा भी एक डेवलप हो जाएगा, एक सोशल क्या रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, पर ये एक ही दिन में नहीं बनेगा ना, राइट। तो इन्हीं संबंधों को जब आप अध्ययन करते हैं, और इसी संबंध से ही क्या बनता है आपका समाज, ठीक है, और सामाजिक अंतःक्रिया क्या है ये मैंने बताया आपको, ठीक, एक्शन विथ क्या रिएक्शन, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो स्टिमुलेशन क्या, वो आंतरिक क्या उत्तेजना। जब तक मैं इस प्रकार नहीं बोलूंगा, जब तक वो बात आप तक नहीं पहुंचेगी, तो आपकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं आएगा, समझ आया, तब भी कहा जाएगी आप और हम, यानी आप मेरे साथ क्लास में कर रहे हैं क्या इंटरेक्ट।
कुछ समझ आया? तो अगर आप 8 नंबर पे आता है कि समाज शास्त्र की परिभाषा लिखे, इनफ कंटेंट है क्या? 3 बिंदुओं पे लिखेंगे, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन और तीसरा सामाजिक अंत क्रिया का अध्ययन। इंग्लिश भी लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोशल क्या रिलेशन एंड लास्ट स्टडी ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। क्लियर है?